हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं प्रधान से। तो करण रंधावा की एक एल्बम आने वाली है जिसमें एक ट्रैक है जिसका नाम है हुक्का बार। तो इसमें फीचरिंग होगी प्रधान की और ये ट्रैक जो है वो 7 मई को ड्रॉप होगा। इसके अलावा फरहान खान का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है वापस, जो कि 7 मई को आएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला एक स्टोरी डालता है और उसमें वो एमसी स्टैन का तड़ी पार ट्रैक ऐड करता है। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो ऑफिशियल भगत की साइड से। तो ऑफिशियल भगत का एक ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है लिट फ्लो। तो अब बात कर लेते हैं रावल के बारे में। तो रावल का भी एक गाना अनाउंस हो चुका है जो कि है रेड बुल 64 बार्स के लिए और गाने का नाम है 64 रॉ। इसके अलावा रफ्तार एक स्टोरी डालता है कुछ ऐसी, स्वैग का पता नहीं पर खुराक पूरी देसी है, हैशटैग शूट लाइफ, हैशटैग ओनली भैंस का दूध। तो अब बात कर लेते हैं जेहिंद के बारे में। तो जेहिंद की तरफ से कुछ स्टोरीज आती है और एक बार फिर से सागा म्यूजिक के साथ इशू हो चुका है जेहिंद का। सुमित सिंह, सागा म्यूजिक, इट्स टाइम टू लेट एवरीवन नो व्हाट यू हैव बीन अप टू, देयर विल बी नो फर्दर न्यू वीडियोस रिलीज फ्रॉम आई एम आइकन एल्बम अंटिल सुमित सिंह ऑफ सागा म्यूजिक रिमूव्स हिज फ्रॉडेंट क्लेम। He has placed a claim on the album music owned by Geeta MP3 in efforts of causing problems for Bohemia once again. तो सुमित सिंह जो कि सागा म्यूजिक का है, उनकी तरफ से कुछ फेक क्लेम्स गए गीत MP3 की आई एम आइकन एल्बम के ऊपर। तो इसी के बारे में जेहिंद यहाँ पे बात करता है। Many opportunities to solve any matter they feel was outstanding and I have all proofs which I will share soon. I will no longer allow Saga to bully any artist any further. Remove your claim now and all releases will be cancelled due to Sumit Singh, Saga Music. तो अब बात कर लेते हैं नेजी के बारे में। तो नेजी जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो कुछ ऐसा कहता है। बहुत मुश्किल से बना ये EP, मेरे को अपनी बाइक बेचनी पड़ी। बाइक बेचा, घर वालों से आड़ी किया, मोहल्ले वालों से आड़ी किया, रमजान के महीने में काम किया, मेहनत किया, बहुत मुश्किल से EP बना है। और जितनी मेहनत मैंने इसमें लगाया हूँ उसका फल मुझे तभी मिलेगा जब ये EP सबके दिलों तक पहुँचेगा, सबके दिमाग में उतरेगा, सब इस पर अमल करेंगे। बस मुझे यही चाहिए EP से कि सही लोगों तक पहुँचे, सही मैसेज सही टाइम पे पहुँच जाए, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह की साइड से। तो हनी सिंह ने महेश भट्ट सर के साथ एक पिक्चर डाली है और कुछ ऐसा लिखा है, इट वॉज लवली मीटिंग द लेजेंड महेश साहब। इसके अलावा हनी सिंह ने एमीवे की पोस्ट पे एक कॉमेंट करा है, पूरे परिवार को ईद मुबारक। इसके अलावा बादशाह का एक ट्रैक आने वाला है जिसका फिलहाल टीजर आउट हो चुका है जिसका नाम है शी इज ऑन फायर। तो अब बात कर लेते हैं जैक हार्लो के बारे में। तो जैक हार्लो ने अपनी एल्बम अनाउंस कर दिया जिसका नाम है कम होम द किड्स मिस यू। खैर इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।